व्यावसायिक सांख्यिकी बिजनेस स्टेटिस्टिक्स में आज हम उपनति मूल्यों की गणना कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज देखेंगे सीखेंगे। उपनति मूल्यों की गणना अर्धमाध्य रीति द्वारा उपनति मूल्यों को या ट्रेंड वैल्यूज को दो प्रकार के माप सकते हैं। पहला है बिंदु रेखा चित्र विधि ग्राफिक मेथड और दूसरा है गणितीय विधि मैथमेटिकल मेथड्स। रेखा चित्र विधि ग्राफिक मेथड इस विधि के अनुसार दोनों अर्ध समांतर माध्यों को बिंदु रेखीय पद्धति द्वारा दोनों अर्ध माध्य वर्षों यानी सेमी एवरेज ईयर्स पर अंकित करेंगे। इन दोनों अंकित बिंदुओं को सरल रेखा द्वारा मिलाकर दोनों ओर बढ़ाएंगे। इस प्रकार ये रेखा दिए हुए समांकों को दीर्घकालीन प्रवृत्ति को प्रकट करेगी। इसे वाई टी द्वारा प्रकट करते हैं। प्रत्येक वर्ष का उपनति मूल्य यानी ट्रेंड वैल्यू वाई एक्सिस की सहायता से मापा जा सकता है। उदाहरण इसका देखेंगे जैसे विभिन्न वर्षों की उपनति मूल्य निम्न प्रकार है ईयर और ट्रेंड वैल्यूज। ट्रेंड वैल्यूज को हम वाई टी से दर्शाएंगे। ट्रेंड वैल्यू आपकी ये थाउजेंड टर्म्स में है, ईयर है 2002, 3, 4, 5, 6 और 7। ट्रेंड वैल्यू इसकी 2002 में 3.66, 2003 में 6, 2004 में 8.3 और 2005 में 10.7 और 2006 में 13.0, 2007 में 15.3। बिंदु रेखीय पद्धति द्वारा प्राप्त उपनति मूल्य सदैव ही गणितीय रीति द्वारा प्राप्त उपनति मूल्य से मामूली भिन्न भी हो सकते हैं, क्योंकि गणितीय विधि में शुद्धता की मात्रा ज्यादा होती है। गणितीय विधि मैथमेटिक्स मेथड समंक के दो अर्धमाध्य क्रम से 2003 में 6 व 2006 में 13 है। यदि दो अर्धमाध्यों के अंतर को उनके क्रमशः वर्षों के अंतर से विभाजित कर दें तो हमें वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात हो सकती है। एनुअल चेंज का फार्मूला रहेगा डिफरेंस ऑफ टू सेमी एवरेज वैल्यूज डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ ईयर्स ऑफ सेमी एवरेजेस। एनुअल चेंज आ गया इस मामले में 13 माइनस 6 और 2006 माइनस 2003 बराबर है 7/3 2.33। वार्षिक वृद्धि ज्ञात करने के उपरांत प्रथम अर्धमाध्य में से यदि वार्षिक वृद्धि घटाई जाए तो प्रथम अर्धमाध्य वर्ष से ऊपर वाले वर्ष का उपनति मूल्य ज्ञात होगा और यदि वार्षिक वृद्धि अथवा अर्धमाध्य वर्ष में क्रम से जोड़ते जाएं तो नीचे वाले वर्षों के उपनति मूल्य ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसे हमारे जो एग्जाम्पल हमने लिया था वही एग्जाम्पल चल रहा है 2002, 3, 4, 5, 6 और 7 हमने ये ईयर्स लिए थे और इनकी ट्रेंड वैल्यू ली थी हमने 2002 के लिए 4, 8, 2003 के लिए 8, 4 के लिए 6, 2005 के लिए 12, 6 के लिए 10 और 2007 के लिए 17। सेमी एवरेज इसके हम लेंगे, सेमी एवरेज पहले 6 ईयर हैं सारे टोटल, तो पहले 3 का टोटल और दूसरे 3 का टोटल, पहले 3 का टोटल 6 आ गई सेमी एवरेज 8012 और 6 18 को 3 से भाग देंगे 6 आ गया। इसी तरह अगले 3 वर्ष का 12 10 22 और 17 39 को 3 से भाग देंगे 13 आ गया। तो सेमी एवरेज आ गई फर्स्ट हाफ की 6 और सेकंड हाफ की 13। मैथमेटिकल वैल्यू इसकी आ जाएगी आपका उपरोक्त अगर फार्मूला अडॉप्ट करेंगे तो C
सिक्स माइनस 2.33, जैसे एनुअल चेंज आ रहा था हमारा, ऊपर हमने एग्जाम्पल दिया था 13 - 6 डिवाइडेड बाई 2006 माइनस 2003 बराबर 7/3, 2.33 आया था। तो यहाँ पे हम इसको सेमी एवरेज मेथड में ये 6 है उसको में से माइनस 2.33 लेस कर देंगे, 3.67 आ गया। इसी तरह 6 दिया हुआ है, 6 आ गया, इसी तरह 6 में हम जोड़ देंगे 6.2.33, 8.33 आ गया। इसी तरह आगे 8.33 में प्लस 2.33 जोड़ देंगे, 10 - 10.66 आ गया। 13 दिया हुआ है ऑलरेडी, 13 में प्लस 2.33 बराबर है 15.33 आ गया। भविष्य वर्ष का उपनेति मूल्य ज्ञात करना, प्रिडिक्शन ऑफ ट्रेंड वैल्यू फॉर फ्यूचर ईयर, भविष्य के वर्ष का उपनेति मूल्य बिंदु रेखीय विधि व गणितीय विधि दोनों के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। बिंदु रेखीय उत्पत्ति द्वारा यदि दोनों अर्ध माध्यों को जोड़कर प्राप्त रेखा को यदि दोनों ओर बढ़ा दिया जाए तो इससे उपनति रेखा यानी Y2 हमें प्राप्त होगी। भविष्य के जिस वर्ष का उपनति मूल्य ज्ञात करना है उस वर्ष पर लंब डालें जो उपनति रेखा Y2 रेखा को काटेगी, अगर इसके ऊपर लंब डालेंगे तो। इस बिंदु से Y एक्सिस पर लंब डालें और Y एक्सिस पर अंकित लंब मूल्य को पढ़ें, यही उस वर्ष का उपनति मूल्य होगा। यही उपनति मूल्य हम गणितीय रीति द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। अर्ध माध्यम में यदि वार्षिक वृद्धि को समायोजित कर दिया जाए तो किसी भी भविष्य वर्ष का उपनति मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरह से हम बिंदु रेखीय चित्र विधि द्वारा भी कर सकते हैं और गणितीय विधि द्वारा भी इसका निकाला जा सकता है उपनति मूल्य। थैंक यू।